दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को हिट करना ना भूले, क्योंकि यही आपको नोटिफाई कराएगा जब हम यूट्यूब पे आएंगे। हेलो गाइस, हाल ही में अक्षय कुमार स्टारर पैडमैन का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, और जब मैं ट्रेलर देख रहा था मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ। पैडमैन का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, आज देखो मजा आएगा। ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा चना पहचाना लग रहा है। ये तो उसमें भी था सिमिलर, ये इसमें कैसे, ये भी सिमिलर लग रहा है उसके जैसा। अबे ये बहुत सिमिलरिटी है, कमाल है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ हुआ जब मैं ये ट्रेलर देख रहा था। आप कोई नया ट्रेलर देखते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कुछ नया आएगा, लेकिन जैसे जैसे ये ट्रेलर बढ़ता गया मुझे ये जाना पहचाना लगता गया कि यार ये कॉन्सेप्ट तो कहीं और भी सुना है। ये जो अक्षय कुमार के साथ हो रहा है वो तो उसके साथ भी हो रहा था, और ऐसे कुछ सिनेरियो तो वहाँ भी हो रहा था। जी हाँ, तो मेरे मन में सवाल आया कहीं ये कॉपी तो नहीं किसी चीज़ की, क्योंकि एक हाल ही में इसी साल एक फिल्म रिलीज हुई थी फुल्लू, विच हैड शारिब हाशमी। तो उस फिल्म का भी कॉन्सेप्ट यही था, और जो जो अक्षय कुमार के साथ कुछ हो रहा है वो वैसे ही लग रहा है जैसा उस फिल्म में शारिब हाशमी के साथ हुआ था। अब आप बोलोगे कि भाई ये फुल्लू कौन है, कौन सी मूवी है, हमने तो कभी सुना नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको दोनों ही ट्रेलर दिखाता हूँ, पूरी फिल्म देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ट्रेलर से ही आपको बहुत कुछ सिमिलर दिखने लग जाएगा। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि पैडमैन में और फुल्लू में सिमिलैरिटीज़ है या नहीं। सो गाइज, अभी आपने दोनों ट्रेलर देखा तो ईमानदारी से बोलिएगा कि आपको सिमिलैरिटीज़ लगी कि नहीं लगी। आई ऑल्सो लव अक्षय कुमार, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लगी। दोनों ही गांव के हैं, दोनों के गांव में पैड यूज़ करना इज़ अ टैबू। दोनों लेकिन ये समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है इन्हें यूज़ करना, और हर औरत को हक है इस चीज़ को यूज़ करने का। तो दे स्टार्ट प्रमोटिंग इट, वो बनाना भी शुरू करते हैं, लोगों को देना भी शुरू करते हैं। इस वजह से उनको बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, गांव वालों के अपोजिशन मिलते हैं, बाहर निकाल दो बोला जाता है, और ऐसी बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं। पैडमैन में थोड़ा चेंजेस है कि सोनम कपूर उन्हें मिलती है, शायद वो कोई सोशल एक्टिविस्ट है जो उनको हेल्प करती है, और वो इस चीज़ को ग्लोबल लेवल तक लेके जाते हैं कि ये समस्या है, और ऐसी कुछ स्टोरी है, वो तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। पर फुल्लू में भी ऐसी बातें बताई गई थी, लेकिन बात यही है कि एक सोशल कॉज पे, जो एक बहुत अच्छा कॉज है, उसके ऊपर सिमिलर फिल्म सिमिलर स्टोरी पे दो लोगों ने पिक्चर बनाई। आपने वो नहीं देखी जिसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं था ना बड़ा डायरेक्टर था, जो एक छोटे बजट की फिल्म थी वो आप देखने नहीं गए, लेकिन जिसमें बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बजट की फिल्म है, आप वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो गाइज, मैं तो यही कहूँगा कि आप स्टोरी और कहानी को इम्पोर्टेंस दें, एक्टर्स और बड़े बजट की फिल्मों को नहीं। इसकी वजह से बहुत से अच्छे एक्टर्स नीचे हैं, और बहुत से एक्टर्स जो इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करते, दे आर ऑन द टॉप। तो अब मैं तो सिर्फ आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपको ये सिमिलर लगा, कॉपीड लगा, या दोनों सेम लगे। माई ओपिनियन इज सिमिलर, और आई कुड से इंस्पायर्ड। आप अपना ओपिनियन हमें बता सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, देख के सोच के समझ के। सो बता दीजिएगा, जल्दी बताइएगा, पिक्चर रिलीज होने से पहले 26 जनवरी को रिलीज़ हो रही है पैडमैन, फुल्लू हो चुकी है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और एक चीज़ याद रखो कि हर चमकता पत्थर सोना नहीं होता, हर साबुन रेक्सोना नहीं होता, हर फुटबॉलर मैराडोना नहीं होता, हर यूट्यूबर हमसा नहीं होता, और रिव्यूनेशन पर एंटरटेनमेंट का डोज कम नहीं होता। सो वी विल बी बैक सून। सो टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि फिर ज़रूर मिलेंगे। गुड बाय।